हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में एसपीसीसी में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करते हैं और उसको किस तरह से वो फंक्शंस काम करती है, उसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं, उसके बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर सेक्रेटरी की पोस्ट से हम उसे किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके या उसके पोस्ट की एंडिंग जो हम बोलते हैं वो किस तरह से आती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है द टर्मिनेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यूजुअली दिस अपॉइंटमेंट इज टर्मिनेटेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अग्रीमेंट। द सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सेक्रेटरी। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो रिसोल्यूशन पास करके की जाती है, तो सेम इट इज अगर उसकी पोस्ट को अगर हमें एंडिंग लाना हो तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने एग्रीमेंट में लाए थे उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो पोस्ट है उसको हम इजीली एंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी दी गई कि उस सिचुएशन में भी सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो टर्मिनेट हो सकती है, मतलब कि उसकी पोस्ट की एंड यहाँ पे आ सकती है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, इफ़ इन केस द डेथ ऑफ द सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी पोस्ट है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है, मतलब कि वो पर्सन सेक्रेटरी के रूप में नहीं रहता है। सेकेंड इज व्हेन द सेक्रेटरी इज इनकैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो अनसाउंड माइंड क्या हो गया हो या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कैपेबल ना हो, एट दैट टाइम उसको हम उसके सेक्रेटरी की पोजिशन से निकाल देते हैं। व्हेन द सेक्रेटरी रिजाइन हिमसेल्फ, ऑब्वियसली हम एज अ पर्सन हम सोचते हैं कि मैं अच्छी जगह पर जॉब करने का चांसेस मिले ये सारी चीज़ें, तो अगर सेक्रेटरी को कहीं पर अच्छा चांस मिला हो और वो खुद ने सेल्फ से रिजाइन किया तब भी उसकी पोस्ट वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। व्हेन द कंपनी इशू नोटिस फॉर द टर्मिनेशन, कि कंपनी उसे नोटिस दे कि आपको आपकी पोस्ट जो है वो उस पर से टर्मिनेट किया जाता है, तब भी उसकी पोस्ट वहीं पे ही एंड हो जाती है। व्हेन एनी फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन आर डन विद द कंपनी बाय द सेक्रेटरी, कि अगर कंपनी ने सेक्रेटरी ने कुछ ऐसा फ्रॉड किया हो या अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ की हो तो एट दैट टाइम कंपनी क्या करती है, उसे उसकी पोस्ट से निकाल देती है। फोर, willful neglect of duty while performing the work as secretary and due to which company incurs financial loss, कि कंपनी सेक्रेटरी ने जानबूझ के कुछ ऐसा काम किया हो कि जिसके कारण कंपनी को फाइनेंशियली सफ़र करना पड़े, एट दैट टाइम सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड। व्हेन द सेक्रेटरी वायलेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, के कंपनी लॉ के जो भी रूल्स है वो रूल्स को सेक्रेटरी फॉलो न करे तब भी हम उसे टर्मिनेट कर देते हैं। व्हेन एनी सीक्रेट प्रॉफिट और कमीशन एट द कॉस्ट ऑफ कंपनीज अर्न और टेकन बाय द सेक्रेटरी, कि अब सेक्रेटरी कुछ ऐसा प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में से अपने पर्सनल लेती हो तब भी हम क्या करते हैं, उसे उसकी पोस्ट से हम निकाल देते हैं। व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और लीगली वाइंड अप द सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड, अब कंपनी अगर बंद हो रही हो तब भी क्या होता है कि ऑब्वियसली धीरे धीरे करके सब पोस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो सेक्रेटरी की पोजीशन भी जो उसकी जो पोस्ट है वो भी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये सिचुएशंस थी कि जहाँ पे हम सेक्रेटरी की पोजीशन को टर्मिनेट करते हैं। अब चाहे कोई भी फॉर्मेशन हो, कोई भी कंपनी हो, सेक्रेटरी की पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए उसको जब भी हम टर्मिनेट करते हैं तो जो कंपनी के एग्रीमेंट से जो रूल्स है वो सारे रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके बाद का हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रेटरी के, मतलब कि सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी कंपनी में। इन अ मॉडर्न टाइम एंड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स कंपनी फॉर्मेशन इज अ स्पेशल अरेंजमेंट वेयर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। द शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉमर्स जो कंपनी फॉर्मेशन है वो अलग अरेंजमेंट की जाती है, जहाँ पे ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। कि अब यहाँ पे ओनरशिप दैट मीन्स के जो शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते तो कंपनी के रियल ओनर होते, इसलिए वो कंपनी के ओनर्स होते, बट वो डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कंपनी को मैनेज करने के लिए उन्हीं में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की जो कंपनी को मैनेज करते हैं। द कंपनी हैज़ आर्टिफिशियल पर्सनालिटी एज पर लॉ,
A significant contribution is provided by the secretary to obtain the certificate of incorporation by fulfilling all the formalities and legal requirement. अब यहाँ पे आपको पता ही है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन है, सेक्रेटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है कि जब हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी है और वो बिजनेस स्टार्ट करी, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए भी बोर्ड ऑफ मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ सेक्रेटरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देती है. द सेक्रेटरी प्रूव्स टू बी एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ही हैज़ द नॉलेज ऑफ वेरियस लॉज, टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस. अब सेक्रेटरी क्या करती है, एक फ्रेंड की तरह, फिलोसोफर की तरह एंड एक गाइड की तरह काम करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि क्योंकि उसे अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है. द सेक्रेटरी प्रूव्स टू बी अ कोऑर्डिनेटिंग लिंक बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ही कन्विंस द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ही कीप्स मिनट्स, ऑब्जर्व्स कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स. द सेक्रेटरी डज द शेयर ट्रांसफर, राइट शेयर अलॉटमेंट प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर, इट्स प्रोसीजर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे सेक्रेटरी क्या करती है, एक लिंक बनाए रखती है, एक लिंक मेंटेन रखती है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो मीटिंग अरेंज करते हैं शेयर होल्डर्स की, उस मीटिंग में कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, उनका जो बोलते हैं ना कि हम पॉइंट्स बना के रखती है, कंपनी के बिहाफ में कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करती है, सारे इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करती है, एज वेल एज शेयर्स इशू करना, शेयर ट्रांसफ़र करना, राइट शेयर्स को अलॉट करना, अगर बोनस शेयर है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारे काम कौन करता है, सेक्रेटरी. By this way, secretary ensure and develop a cordial relationship between shareholders and board of directors for the progress of company. कि ये सारे काम करके secretary क्या करती है, एक अच्छा relation maintain करती है between the shareholders and company. The secretary work as a public relation officer by developing relationship with various parties. The secretary ensures great reputation of the company by his efficient administration. Company क्या करती है, secretary क्या करती है, as a public relation officer बनती है, कि वो अलग अलग पार्टीज़ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखती है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाती है, और लीडरशिप्स होती है, जील एंड कल्टिवेटिव डिसिप्लिन जो है वो एम्प्लॉयज में मेंटेन रखती है. ही डज डिविजन्स ऑफ द वर्क एंड कोऑर्डिनेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी विथ हाई एफर्ट. वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और इफेक्टिव कंट्रोल लेके आती है कि वो जो हमारे गोल्स है, कंपनी के गोल्स, वो सारे गोल्स को वो अचीव कर सके. The secretary has to submit the register different type of form statements documents with the register of company with the stipulated time in the framework of the law. कि यहाँ पे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम सबमिट करवाना, एज वेल एज रजिस्टर करवाना, ये सारे काम कौन करता है, सेक्रेटरी करती है. ही प्रोवाइड गाइडेंस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर वेरियस पॉलिसी मैटर्स एंड लीड्स द कंपनी ऑन द टॉप बाय प्रोवाइडिंग प्रूविंग हिज इफिशियंसी. कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड करती हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो कंपनी को टॉप पे लेके जा सके. दस द पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी फॉर मैनेजमेंट, फॉर कंपनी, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रजिस्टर ऑफ द कंपनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हमने अभी देखा कि सेक्रेटरी की पोजिशन सब लोगों के लिए, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर क्रेडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेटरी इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस. द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन सेल, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द सेक्रेटरी कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब ऑब्वियसली अगर कंपनी का डेवलपमेंट होना, दैट मीन्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, सेल्स में इंक्रीज होना, लोगों की इनकम बढ़ना, ये सारी चीज़, इसलिए सेक्रेटरी इनडायरेक्टली कंपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है. तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से सेक्रेटरी की पोजीशन जो है वो आज की जनरेशन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो. और इसी के साथ यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. इस चैप्टर में हमने देखा एज अ सेक्रेटरी उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, उसके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह की पावर्स होती है, अथॉरिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस चैप्टर में हमने देखी. आई होप आप सबको ये जो चैप्टर है वो इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है.
इस चैप्टर के ऊपर से यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ होमवर्क कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं सेल्फ असाइनमेंट के, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। हम हमारा जो न्यू चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जो हम सीसी के सेक्शन में से लेंगे। तब तक आपको ये जो हमारा होम असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ वो आपको आपकी नोटबुक में करना है। थैंक यू।